हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल सायरन एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम माइक्रोमीटर स्क्रूगेज के बारे में जानकारी देंगे कि माइक्रोमीटर स्क्रूगेज क्या है। ये एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम किसी वायर की थिकनेस या कोई थिन शीट है उसकी हम थिकनेस मेजर कर सकते हैं। इसकी रेंज होती है जैसे 25x1 लिखा, दैट मीन्स 25 mm की रेंज का है ये। यानी जो इसका जो मेन स्केल है ये 25 mm तक इसमें हम मेजर कर सकते हैं, यानी लगभग 2.5 सेंटीमीटर तक हम इसमें किसी वायर की थिकनेस हो या कोई पेपर की थिकनेस हम मेजर कर सकते हैं। अब हम आते हैं पार्ट एंड देयर फंक्शन, कि इसके क्या क्या पार्ट हैं इसके स्क्रू गेज के। तो सबसे पहले हमारा इधर से हम शुरू करते हैं, ये फर्स्ट पार्ट है ये, इसको हम बोलते हैं एनविल। एनविल ये है इसका एनविल, ये वाला पार्ट एनविल है। और जो ये है ये वाला पोर्शन, ये फ्रेम है। इसके बाद आता है ये स्लीव विद मेन स्केल, ये मेन स्केल है। और इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं स्लीव विद मेन स्केल। इसके बाद जो ये मूव कर रहा है, ये वाला पोर्शन जो हम इसको मूव करा रहे हैं, ये है थिम्बल विद रोटेटिंग वर्नियर स्केल। यानी इसको हम बोलते हैं थिम्बल और इसमें ये रोटेटिंग वर्नियर स्केल है। इसको कम्प्लीटली हम इसको ऐसे बोल देते हैं कि ये एक थिम्बल विद रोटेटिंग वर्नियर स्केल। और लास्ट में जो इसका ये वाला पार्ट है, ये रैचेट नोब है। अब इनका फंक्शन है क्या है, एनविल और स्पिंडल ये दोनों किसी वायर का जिसका हमें थिकनेस निकालना है उसको यहाँ पर रख करके इसको हम टाइट कर देते हैं। जैसे सपोज अभी हम इस पेन के बारे में डिस्कस करते हैं, सपोज ये पेन की अगर हमें थिकनेस यहाँ से रखनी है तो इसमें हम ये इस तरह से रख करके, और जब तक ये आवाज़ नहीं तब तक हम इसको मूव करते हैं, ठीक है। अब ये रीडिंग हमें इस पॉइंट की रीडिंग लेनी है। तो ये एनविल और स्पिंडल इन दोनों का काम है कि जिस बॉडी का हमें डायमीटर निकालना है या थिकनेस निकालनी है उसको हम इसके बीच में रख लेते हैं। इसके बाद है ये मेन स्केल है, यहाँ पर हम रीडिंग पढ़ लेते हैं मेन स्केल में क्या रीडिंग है। और ये वर्नियर स्केल है, ये इसके फंक्शन हो गए हैं। अब है इसका कि हम इससे रीडिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। रीडिंग कैलकुलेट करने से पहले हम इसके बारे में आपको एक बात और बताते हैं कि इसका लीस्ट काउंट कैसे निकलता है। लीस्ट काउंट वर्नियर कैलीपर से इसका थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि वर्नियर कैलीपर में हमें ये नहीं पता होता है कि इसका वर्नियर स्केल कितने मेन स्केल के बराबर। यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि इसका वन डिवीज़न, जैसे अगर हम अभी इसको क्लोज करते हैं तो अब हम अगर यहाँ देखें यानी जो हमारा ये ज़ीरो है, वर्नियर स्केल का ज़ीरो इसके बिल्कुल इस मेन स्केल पॉइंट पर है। अब हम इसको ऐसे वापस राउंड करते हैं 10, 20, 50, 70, 80, 90 एंड 0, ये ज़ीरो आ गई है हमारी यहाँ पर। यानी अब हम देखेंगे ज़ीरो से आगे जो ये वन है, यहाँ पर ये वन डिवीज़न में ये कंप्लीट कितने राउंड हो गए हैं, वन राउंड हो गया है और टोटल 100 डिवीज़न हो गए हैं। दैट मीन्स 1 mm यानी मेन स्केल का एक डिवीज़न वर्नियर स्केल के 100 डिवीज़न के बराबर है, ठीक है। इससे आगे हम इसको मूव कराते हैं, जैसे अब फर्स्ट 1 डिवीज़न है, अगर हम इसको आगे मूव कराते हैं तो 20, 30, 50, 70, 90 एंड ये वापस अपना ज़ीरो आ गया है। इसका मतलब क्या है कि ये 2 डिवीज़न हो गए हैं और यहाँ पर 2 mm हो गया, क्योंकि ये तो mm स्केल है और यहाँ पर इसके कंप्लीट 2 राउंड हो गए हैं। दैट मीन्स वर्नियर स्केल के जो 100 डिवीज़न्स हैं वो मेन स्केल के 1 डिवीज़न के बराबर हैं। तो हम अगर इसका एक वर्नियर स्केल डिवीज़न निकालें, हमने अभी बताया जैसे 1 मेन स्केल डिवीज़न, यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है, वो 100 वर्नियर स्केल डिवीज़न के बराबर है। और 1 मेन स्केल डिवीज़न है इसका, वो हमारा 1 mm के बराबर है। तो हम इसको सीधा VSD में निकाल लेंगे, तो 1 और जो VSD है वो हो जाएगा 1/100 mm के बराबर हो जाएगा, यानी 0.01 mm। यानी जो इसका लीस्ट काउंट है वो है 0.01 mm। यानी हम इसे इतने डायमीटर का कोई भी मिनिमम इतने थिकनेस का हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इसका लीस्ट काउंट है इसका।
अब हम आते हैं कि इसकी हम टेबल कैसे बनाएंगे और कंप्लीट हम जो रीडिंग हम इससे कैसे लेंगे। तो हम रीडिंग की बात करते हैं, यह टेबल फोर मेजरमेंट बाय स्क्रू गेज, बिल्कुल सिंपल है। इसमें हम दो से तीन तीन ऑब्जर्वेशन लेंगे और उनका फिर मीन निकाल लेंगे। सबसे पहला कॉलम है इसमें सीरियल नंबर, दूसरा कॉलम है मेन स्केल रीडिंग, और नेक्स्ट है हमारा इसमें कोइंसाइड पॉइंट। और यहाँ पर है टोटल रीडिंग। इसको कोइंसाइड पॉइंट या फिर इसको वर्नियर रीडिंग भी बोल सकते हैं हम। इसको वर्नियर रीडिंग कैसे निकलेगा? वर्नियर स्केल डिवीजन मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट हमारा जो आया था 0.01 है मैम। मेन स्केल में हम सीधा पढ़ लेंगे कि कितने डिवीज़न आ रहे हैं, और टोटल यहाँ पर हम कर देंगे वर्नियर वीएसडी यानी वर्नियर स्केल रीडिंग समझो प्लस मेन स्केल रीडिंग। हम फर्स्ट रीडिंग जो लेते हैं, अब हम यहाँ पर अपने टॉपिक आते हैं कि हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। सपोज अभी हम इस पेन का डायमीटर निकालते हैं, तो ये जैसे ये आवाज़ आ जाएगी तो हम रुक जाएंगे। अब देखते हैं कि हम इसका हमें रीडिंग कैसे लेनी है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो मेन स्केल में है वो 10 डिवीज़न कंप्लीट हो रखे हैं, ठीक है। जैसे साफ साफ दिख रहा है मेन स्केल में 5 और 10 लिखा हुआ है, और ये कंप्लीट हमारे यहाँ पर 10 हो गए हैं। इसको हम फिक्स कर लिया हमने इस पॉइंट पर ये। और अब हम ये जो अब हम टेबल में आ जाते हैं, मेन स्केल में कितना पढ़ा है हमने? 10 पढ़ा है मेन स्केल में, सीधा सीधा 10 डिवीज़न है। अब हम आते हैं वर्नियर स्केल पे। वर्नियर स्केल में देखना ये है कि जो मेन स्केल की लाइन है हम यहाँ पर देखते हैं कि जो ये जीरो है, ये यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, ये जो लाइन आ रही है इससे ये हम इधर चल रहे हैं, तो इस लाइन से ये जीरो है, तो ये डिवीज़न हमारा ध्यान से हम देखें, तो हमारा ये आ रहा है 90, 5, 6 और 7। यानी जीरो से ये 2 डिवीज़न पहले है, तो यानी लगभग 98 डिवीज़न है ये। तो वर्नियर स्केल के हो गए हमारे 98 डिवीज़न, क्योंकि उससे आगे बढ़ेंगे जीरो हो जाएगा, पूरा कंप्लीट एक डिवीज़न आ जाएगा। तो वर्नियर स्केल में हो गए 98 डिवीज़न। इसको हम लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.01, ये भी एमएम में है और ये भी एमएम में, तो टोटल ये डायरेक्ट ऐड हो जाएगा सीधा। तो ये हो गया 10.98 एमएम, ये इसकी रीडिंग है। ऐसे ही हम उस रीडिंग को 2-3 बार ले लेंगे और इस तरह से हम इसका फिर मीन निकाल करके और फाइनल रीडिंग ले लेंगे कि भाई कितना इसका थिकनेस है इस पेन की। इस तरह से हम इसका किसी भी बॉडी का थिकनेस निकाल सकते हैं। थैंक यू।